हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज मैं ड्रॉ करने वाली हूँ दिशा वकानी को एज दया। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कोई गलतियाँ हो तो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लेयर वाइज शेडिंग करेंगे। पहले अगर हम लेयर वाइज शेडिंग करते हैं तो हमारी ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा उभर के आती है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लेयर चढ़ाएंगे और उसके बाद सेकंड लेयर चढ़ाएंगे। तो यहाँ नाक पे हम एकदम लाइट शेडिंग करनी है ताकि यहाँ पे कोई ख़राबी ना आए, और नाक पे काफ़ी लाइट है तो हम लाइट शेडिंग करेंगे। इस आँख में भी हम लेयर वाइज शेडिंग करेंगे पहली आँख की तरफ। अब यहाँ पे भी हम लेयर वाइज शेडिंग करेंगे, पहले फर्स्ट लेयर फिर उसके बाद सेकंड लेयर चढ़ाएंगे। यहाँ पे मैंने ब्लेंडिंग के लिए कॉटन यूज़ किया है। अगर आप चाहे तो ब्रश से भी कर सकते हैं, पर कॉटन मुझे ज़्यादा सही लगता है इसलिए मैं कॉटन से करती हूँ। तो यहाँ पे नाक के नीचे थोड़ा डार्क है तो यहाँ पे हम 6B पेंसिल का यूज़ करेंगे।
बार शेडिंग करनी है तो पहले फर्स्ट लेयर 2B पेंसिल से चढ़ाएंगे और फिर उसके बाद डार्क करेंगे 8B पेंसिल से। एरियाज पे 6B पेंसिल का यूज करेंगे और जहां लाइट है वहां पे हमें 4B पेंसिल का यूज करना है। अब यहाँ पे हमें 8B पेंसिल का यूज करना है। अब यहाँ पे हैंड में भी हम लेयर वाइज शेडिंग करेंगे, इससे काफ़ी अच्छी ड्राइंग बनेगी। शेडिंग करनी है, फर्स्ट हम 6B पेंसिल से थोड़ा करेंगे और उसके बाद फिर 10B पेंसिल से इसे डार्क करेंगे। यहाँ नीचे साइड काफ़ी ज़्यादा डार्क है तो इसलिए इसको ज़्यादा डार्क करेंगे। Thank you.
अब यहाँ बैकग्राउंड में मैंने काफ़ी ज़्यादा लाइट शेडिंग की है, तो ऐसे आप भी कर सकते हैं, नहीं तो इसे आप डार्क करना चाहे तो डार्क कर सकते हैं। तो या दिस इज़ फॉर टुडे गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।